सर, प्लीज बताइए क्या हुआ। सर, ये जो प्रॉब्लम है आप इसको कैसे हैंडल करने वाले हैं? मंदिरों के इस शहर में आज के बाद अपहरण, गुंडागर्दी, राउडीज़म बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। सर, वन क्वेश्चन, इसका मतलब आप यहाँ गुंडों को खत्म करने आए, आप यही कहना चाहते हैं? मैं इंस्पेक्टर सुभाष नहीं हूँ, एनकाउंटर सुभाष। ए आर्मुगम, मास्टर जी ने सबको बुलाया है। क्या बात है, पता नहीं, चलो मास्टर जी आ गए, उनसे पूछते हैं। इनका नाम है संगली मास्टर जी। ये कुंग फू मास्टर आज कुंभकर्ण के नाम से मशहूर गुंडा है। जो लोग वफादारी को भूल जाते हैं उसे तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन धोखेबाजों को कभी नहीं छोड़ता। का डर था वही किया ना तुमने? ऐसा कुछ नहीं है मास्टर जी। संगली हूं मैं, भले बैल पतला हो जाए पर उसकी सींग पतली नहीं होती। मास्टर जी, सब लोग तो आ गए पर गुना अभी तक नहीं आया। ए कुमार। मास्टर जी, उस गुना का फोन लगा। मास्टर जी, गुना आ रहा है। इनका नाम है गुना। संगली मास्टर जी का ये बहुत बड़ा शिष्य है। मास्टर जी को टक्कर देने जैसा कुंभकर्ण से भी बड़ा गुंडा है ये। ये लो इंस्पेक्टर। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते मास्टर जी। आओ गुना, कैसे हो? पेपर देखा क्या तुमने? वो जो नया इंस्पेक्टर आया है उसने सिर्फ नाम के लिए इंटरव्यू नहीं दिया है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो हमें खत्म करने के लिए आया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए इस काम को रोक देते हैं। क्यों मास्टर जी, डर गए क्या? और सबको बुलाकर यहाँ डरा रहे हो क्या? मास्टर जी, आपकी उम्र हो गई, हाथ पैर कांपने लगा तो फिर आप तलवार कैसे पकड़ोगे? इस उम्र में इस तरह का काम बंद कर दो और जाकर आराम करो। ए एमएलए, इन्होंने बुलाया तो आकर खड़े हो गए, कोई काम नहीं है क्या? आप बोल सकते हैं गुना, ये तो अपने मास्टर जी है ना, तंजावुर से फोन है। हाँ, पुलिस है तो क्या हुआ? गुना बोल रहा हूँ, नहीं खत्म कर दे। ठीक है मास्टर जी, चलता हूं। ए मारा, ये ले। मास्टर जी, आपसे ही धंधा सीख कर ऐसी बात करके जा रहा है। मास्टर जी, इस गुना की वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। ए यलंगो, जल्दी से गाड़ी निकाल। अगर हमें जिंदा रहना है तो सुबह होने से पहले उसे मार डालो। सुब्रमण्यम। पुलिस सर। यस सर। सबसे पहले किसने देखा इसे? किधर चलना है? चलो चलो, आइए चलो। आइए सर, इस तरफ, यही रास्ता है सर, इस तरफ से नदी के किनारे जाना है। कितने बजे देखा आपने? सुबह 6 बजे सर। अरे जल्दी आओ, कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो यहाँ देखा तो बॉडी पड़ी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। कांस्टेबल, इसके ऊपर से कपड़े हटाओ।
ठीक है सर, इंस्पेक्टर सुभाष है सर। सर राजकुमार। यस सर। स्पॉट पे पहुंच गया क्या? स्पॉट पर ही सर। बॉडी किसकी पता चला या नहीं? बॉडी किसकी पता चल गया, सुभाष इंस्पेक्टर की है सर। कातिल को एक घंटे में पकड़ लेंगे सर। ओके सर, बॉडी को एम्बुलेंस में डालो। यस सर। कांस्टेबल चलो चलो उठाओ इन्हें। चलो हाँ ले चलो। सर कातिल को पकड़ लेंगे क्या सर? कातिल को पकड़ने के बाद आपको इंटरव्यू दूंगा। कोयल नगर जो मंदिर से शहर बनने वाला था, आज गुंडों का अड्डा बन गया है। गुंडों को खत्म करने के लिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट आगे क्या करने वाली है, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे चल 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 निकल, चल 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 चल, कोई छूटने ना पाए, सबको पकड़ो। चल चल रुक जाओ, निकल भाग जल्दी, भाग जल्दी, रुक जाओ, रुक जाओ, निकल निकल जल्दी, चल निकल, पीछे 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 इधर छुपा बैठा है, चल साहब हैं क्या? यस सर। मुजरिम को हाजिर करना जी, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। साहब आ रहे हैं, सब लोग शांत हो जाओ। नमस्ते जज साहब। पुलिस ने आपको मारा क्या? नहीं सर। 15 दिन का रिमांड है। ए, चलो चलो सब गाड़ी में बैठो, चलो चलो। क्यों मास्टर जी, मैंने सुना है इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। शांति से रहो आर के, पहले अपना बिजनेस देखते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ओके मास्टर जी। आज इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सूर्य कुमार, अपने इस अड्डे पे पुलिस क्यों आ रही है? चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ मास्टर जी। नमस्ते सर। हर महीना तो आपको हफ्ता आ जाता है, फिर आप यहाँ क्यों आए? किसके सामने तू बात कर रहा? मैं एसीपी राजकुमार हूँ। क्या हुआ एसपी साहब, किसकी जगह पे आए हो पता है ना? जरा होशियार रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इंस्पेक्टर को मार दोगे, तुझे तो घसीटते हुए ले जाऊंगा मैं। रुक जाओ, इन सब की वजह कौन है मुझे पता है। आरके, लड़कों को देख लेना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये मास्टर नहीं छोड़ेगा। क्या गुना, तूने कहा कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, अगर हिला ना तो तुझे जान से मार दूंगा। सबूत है, इसीलिए मास्टर जी को अरेस्ट किया गया है। गुना, कमाल कर दिया, एक तीर से दो वार किए। उस इंस्पेक्टर को खत्म करके उस इल्जाम को मास्टर जी के ऊपर डालकर तुमने उसे भी अंदर करवा दिया। आज के बाद बस स्टैंड, मार्केट, मिट्टी के खदान, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होंगे। आज के बाद हर कोई तुम्हारा ही नाम लेगा गुना। ये बात किसने कही? कुंभकरण से वसूली करने के लिए हम लोग हैं? अपना यार है ना वसूली करने के लिए। अरे दीदी, जल्दी से मुझे गरम गरम वड़ा देना। तो क्या बोला, वड़ा बनाने को बोल दिया, लेकिन जब पैसा मांगूंगा तो बोलेगा बड़ा है छोटा है और पैसे नहीं देगा। अच्छा इंसान कमाता है, बुरा इंसान खाता है, उसी कहानी जैसा। क्या रे, दो वड़ा डालने के लिए बोला था, तूने चार डाल दिए, और वड़ा छोटा है बड़ा है बोल रहा है, जाकर चूल्हे को बराबर से सही कर। आ जा रहा हूं। दुनिया में रहने वाले छोटे छोटे देश आगे बढ़ गए, जिस पर आश्चर्य होता है। अपने इंडिया की इकोनॉमी क्या है, यही है।
एक तरफ अंबेडकर को पेरियार बोल रहे हैं, दूसरी तरफ लाश को कॉमन जगह पर नहीं ले जा सकते, ऐसी हालत है। एक तरफ प्लस टू में 95% पास हुए हैं और दूसरी तरफ कम मार्क्स की वजह से सुसाइड हो रहा है। एक तरफ लवर्स डे सेलिब्रेशन और दूसरी तरफ ऑनर किलिंग। इसकी वजह से जो लोग राज करते हैं ना, उसकी वजह हम जैसे लोग हैं। इसका एक ही रास्ता है, जनता को हम एक साथ मिलकर, हमारी जरूरत क्या है उसे ढूंढकर हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। अरे आजा मेरे यार, हम लोग यहाँ पर बैठ के तेरा ही वेट कर रहे थे। मेरे लिए? पर क्यों? क्यों क्या, मिनी स्टेट बैंक को तूने हाथ में पकड़ के रखा है और हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, क्या तो वेट तो करना ही पड़ेगा यार। पार्टी में भेजने वाला पैसा है। अरे यार कोई भी पार्टी वाला हो, हर कोई अमीर ही होता है। हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर थोड़ा तो ध्यान दो, बातें करते रहोगे तो हमारे लिए काफी नहीं होगा। दान पेटी खोलकर पैसे बांट दो हमें। मैंने तो वड़ा का ऑर्डर भी दे दिया। ए, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक ही जगह पर सब लोग रहते हैं ना, वो जिसके पास नहीं रहता है उन लोगों को देना ही ठीक रहेगा। कंफ्यूज कर रहा है। अरे यार वो वहाँ देख रहा है ना, उसकी बात कर रहा है। ओ तो दान पेटी का बंटवारा कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे नालायक लोग इस तरह खाकर खत्म कर रहे हैं। वड़ा भी तुम लोगों ने खत्म कर दिया। अरे यार देखना बस भी आ गई। पार्टी के ऑफिस चले गए, कल आकर मैं दे देता हूँ। आप कौन देगा पैसे? ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, सीढ़ी पर मत रहो, ऊपर चढ़ो, अंदर जाओ, जाओ अंदर। क्यों भाई कबीर? अबे उधर गाड़ी खड़ी थी तो नहीं चढ़ना चाहिए था? जब गाड़ी चल दी तो चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो भाई। जिसका पैर सही नहीं होता ना वही खड़ी बस में चढ़ता है। हम तो चलते हुए एरोप्लेन में भी बैठ सकते हैं। वही तो। किसने कहा? और कौन, अपना मास्टर बीस। बहुत खुशी हुई, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी जी टिकट। मेरा देवर कंडक्टर है तो मैं क्यों टिकट लूं? बस में चढ़ोगी तो देवर जी हो जाऊंगा और बस से नीचे उतरो तो कंडक्टर हो जाता हूँ। आपका हिसाब भी अलग है। बहन जी टिकट ले लीजिए। बोल देंगे मालिक के साथ आ जाना। मालिक के साथ आकर क्या करूँगा, तुम्हारे साथ बैठ कर दारू पीऊंगा क्या? ये लो टिकट पकड़ो। क्या काजल, SMS है क्या? MMS? अरे तो एक बार मुझे भी भेजो ना। भेजूंगी ना तो लाइट ही टूट जाएगा, चलेगा क्या? टूट जाएगा। अरे यार वो अपनी चप्पल की बात कर रही है। चप्पल? हमने बहुत टूटे हुए चप्पल देखे हैं और देखना बाकी है। ए जरा सुन, क्यों पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के साथ लफड़ा कर रहा है? कौन ये लड़की तुम्हें पढ़ने लिखने वाली लगती है क्या? SMS और MMS लड़कों को भेज भेज कर ये लोग बेचारे लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। बस इन्हें यूज करना ही आता है। लड़के ना बिल्कुल सेल फोन के जैसे होते हैं। ये तो फिर और लड़कियां ना सिम कार्ड के जैसी होती है। समझ नहीं आया। अरे यार लड़के सेल फोन के जैसे स्ट्रांग और सिंगल ही होते हैं, पर ये लड़कियां ना सिम कार्ड के जैसे ऑफर के हिसाब से हमेशा बदलती ही रहती हैं। संभल के रहना। ये बदलने का काम बाद में करते रहना, पहले तो टिकट ले ले। अच्छा टिकट। अरे यार निकाल दो। ले। ए, ये क्या है रे? हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं ना वो सब आपके लिए है भाई। प्रचार के लिए आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये सब आपको ही देना है। चलो निकालो। एक रुपए का नोट मुझे देकर मुझसे 9 रुपए ऐंठना चाहते हो क्या? पहले पैसे निकाल भाई, बाद में दे दूंगा ना। मैं बाद में आकर देखता हूँ। ये ले भाई, इसे पर विश्वास ही नहीं है। टिकट 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 लीजिए बहन जी। ए, क्या टिकट टिकट कर रहा है? अगर मुझे टच किया ना तो बता दूंगी तुझे। अरे ले तो रहे हैं, क्यों टिकट टिकट करके परेशान कर रहा है? चल गया क्या? मेरी कहानी पूरे गांव वालों को पता चल गई। ये लो भाभी जी टिकट। इसके पैसे हिसाब में लिख लीजिए। हिसाब में? चाय वड़े के हिसाब में। अच्छा अच्छा, मैं चाय के हिसाब में लिख लेता हूँ, वड़ा के हिसाब में नहीं। क्यों मूर्ति भाई, वड़ा पसंद नहीं है क्या? अरे जाने देना भाई, पहले से ही मेरी जिंदगी में 7.5 चल रही है। देख भाई कबीर, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन इससे दोस्ती करने में सावधान रहना। अरे छोड़ो ना, अपना ही लड़का है। अरे बाप रे, चढ़ा कर आ गया। अब ये कौन सा 7.5 है? बहन जी जरा पानी दो ना। इसलिए खेती बाड़ी के लिए पानी मांग रहा हूँ क्या? दो ना। ये लो। ये सारा पंगु फिर शुरू हो गया। बस में बैठते ही शराब का नशा चढ़ जाता है। बहुत बड़ा बेवड़ा लगता है ये सफर का मजा। नालायक कहीं का मिनी बस को मिनी बार बना के रख दिया। नालायक दुष्पाजी कहीं का। तुझे नहीं दिया इसलिए जल रहा है क्या? क्या कहा, मुझे जलन हो रही है? मेरे घर पे पूरी बोतल रखी है। हाँ? अरे इस नदी पे डैम बांधने के लिए पहले तुम टिकट तो ले लो चचा। हाँ, निकाला है। हाँ? अरे नालायक कहीं के, इसीलिए पानी मांगा था तूने ताकि शराब में मिला सके। क्यों टीचर, शराबी को पानी की समस्या के बारे में क्या पता? मुझे क्या पानी की समस्या के बारे में नहीं पता है। मैं आ गया। पानी की समस्या के बारे में मुझे अच्छे से पता है।
हाँ। पालर नदी में ब्रिज बना रहे थे तो बोले थे ठीक है मुझे पेरियार तोड़ना है और कावेरी में बोल रहे बोल थे कि वहाँ बीच में डैम बनाना सारी नदियों को नेशनलाइज करना मतलब एक साथ जोड़ना है। राजनीति और नेता लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसा भी लेते और इसके बारे में बात करो तो मुझे शराबी बोल देते। देश की समस्या जानता हूँ। देश के बारे में सोचना छोड़ दे बेवड़े, पहले अपने घर के बारे में सोच। सिग्नल आ गया रे। आ गया क्या? पूरा यहीं पीकर जा, घर पर अच्छा रहेगा। ए शराबी के कर मत बुलाना मुझे। ये चल रे चल। क्यों टीचर, उसको पानी दे रही थी ना, आपका बैग चुरा कर ले गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? पता नहीं कैसे कैसे लोग जी रहे हैं यहाँ, अपने घर बार की चिंता ही नहीं है इनको। ए तू मुझे देख कर क्यों गाड़ी चला रहा है, आगे देख कर गाड़ी चला। अरे बेटा कादिर, माँ नहीं है क्या? माँ घर के पीछे काम कर रही है, क्या चाहिए दादी? अरे बेटा चूल्हा जलाने के लिए थोड़ा पेपर दे दो। दादी इसे कोई साधारण किताब समझे हो क्या? कई घर के चूल्हे जलाने के लिए ये किताब लिखी गई है, पता है आपको? आप अपने घर जाइए, माँ को खाना लेकर आने के लिए बोलता हूँ, संभल कर जाइए। ठीक है। ए बुढ़िया जब देखो तब मेरे हीरो से बात करती रहती है। अरे वो तो पेपर पढ़ने में ही मस्त है, मैं भला उससे क्यों बात करूंगी, तू ही जा। तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, हाँ देख लूंगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? जाओ तुम। क्या पढ़ रहे हो बताओ ना। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। हमेशा कम्युनिज्म के बारे में पढ़ते रहते हो, बीच बीच में कभी रंगीन चीजें भी पढ़ा करो ना, तभी तो प्यार कर पाओगे। ए माँ आ जाएगी, जरा दूर बैठ। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं बुआ, कबीर को गणित में थोड़ा डाउट है, वही क्लियर कर रही हूँ। अरे पढ़ने की उम्र में सही से पढ़ाई की होती तो चार चार बच्चों को पढ़ा रही होती, दसवीं फेल होकर घूम रही है। जरा इस फोटो को देखो ना, ऐसी ड्रेस अगर मैं पहनूंगी तो अच्छी लगेगी? एकदम घटिया। अगर तू इस घर में बहू बनकर आ गई ना तो समझ ले कल्याण हो जाएगा। हाँ और कौन इस घर की बहू बनेगी? मेरे घर की होने वाली बहू कैसी होनी चाहिए तुझे पता है? एकदम परी की तरह होनी चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो, बिल्कुल उल्टा बोलती हो। कल सुबह देखना मैं कैसे आकर खड़ी रहती हूँ। सुनो देखो कबीर, इस घर में दिया भी मैं ही जलाऊंगी और बुझाऊंगी भी मैं। अरे ये सब क्या है? मैं दिया बोल रही थी। हमेशा बकवास क्यों करती रहती है? उसका हर बार का ऐसा ही है, बकवास के बिना उसका दिन नहीं जाता। अरे हाँ माँ, पड़ोस वाली दादी आई थी, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, उनको थोड़ा खाना देकर आ जाना। वो सब मैं देख लूंगी, तुम पढ़ाई करो। देखा आज कंडक्टर मूर्ति भाई है, इसलिए सही टाइम पर आ गए। चलो चलो स्टॉप आ गया, उतरो उतरो उतरो, चलो चलो चलो, चलो ए, रुक जा, मुझे बिना लिए कहाँ जा रहा है तू? बस को रोक। आ गया बेवड़ा, रोक, रास्ते में दिमाग खराब करेगा, पता नहीं कहाँ से घूम फिर कर आ जाता है। अरे सारा बंगू, तुम घर पे नहीं थे क्या? यहाँ से कहाँ आ रहे हो? तेरी बड़ी भाभी के घर पे गया था, बिरयानी बनाकर खिलाती है, और तेरी छोटी भाभी के घर पे जाता हूँ तो मछली बनाकर खिलाती है। अरे शराब पीकर जाया जाता है, अब नहा कर जाओगे तो क्या हो सकता है? ये चाहे जितना भी नशा कर ले पर भाभी मार मार के इसका नशा उतार ही देती है। ए, मैं मार खाता है, तुझे कैसे पता? तुम रोज यहाँ जो आते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? कैसे हो भाई? मेरी माँ, क्या गलती से मेरे मुँह से एक शब्द क्या निकल गया उसके लिए तुम इतना ज्यादा टॉर्चर करोगे मुझे? मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ। अरे छोड़ो ना। सुनो ड्राइवर, इस बहन के लिए एक अच्छा सा गाना लगा दो। रुक जाओ इलावरा, कोयल सापड़ा उतर जाओ, कोयल सापड़ा उतर जाओ, कोयल सापड़ा उतर जाओ। चलो यार, चलो चलो उतरो उतरो, चलो चढ़ जाओ चढ़ जाओ, आराम से आराम से। चांद की तरह पलके हो, चेहरा तो महालक्ष्मी की तरह, घर पर दिया जलाने वाली कुल मिलाकर एक परी के जैसे होनी चाहिए।
यही मेरी इच्छा है बेटा। यार सुनना, मेरी माँ ने जैसा सोचा था ये वैसे ही लड़की। शहर में रहने वाली सारी लड़कियां अगर तेरे घर में दिया जलाएंगी तो हमारे घर में दिया कौन जलाएगा? पर ये है कौन? यहाँ नई लग रही है। रुक जा अपने कंडक्टर से पूछते हैं। कंडक्टर भाई, क्या हुआ भाई? जरा यहाँ आना। अभी आता हूँ। सुनिए, वहाँ सीट खाली है, बैठ जाइए। कोई बात नहीं। ठीक है, बोलो श्याम किशोर। क्या यार? इस तरह सबके सामने मेरा पूरा नाम लेकर मुझे इस तरह बदनाम मत करो। शॉर्टली मेरा नाम ले सकते हो ना? क्यों भाई, श्याम किशोर कितना अच्छा भगवान का नाम है। लोग भजन में श्याम किशोर का गाना गाते हैं और तुम उस नाम से बुरा मान रहे हो। क्यों, श्याम तुम्हें अच्छा लगता है क्या? किशोर कुमार को देखो, स्टार थे वो, वही तुम्हारे नाम में है। मुझे टिकट की डिटेल चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुम्हें टिकट के लिए डिटेल? सुनो, लास्ट स्टॉप पर उतरोगे तो 5 रुपए, पालमपुर जाओगे तो 8 रुपए, बस स्टैंड पर उतरोगे तो 10 रुपए। ये तो तुमको कई सालों से पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो भाई? हे, वो सब मुझे भी पता है। हाँ। वो जो पीली साड़ी में लड़की खड़ी है ना, उसके बारे में जानना है। अबे तेरी तो, ए इधर आओ। वो कौन है पता है? वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है। अगर उसको पता चला ना तो तुम्हारा कनेक्शन काट डालेगा। शंभुनाथ, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? अच्छी तरह सुनाई दिया, मैं पूरे होश में हूँ। होश में हो तो ठीक है। देखो भाई, बस में जितनी मस्ती मेरे साथ करते हो ना, उसके साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बस चढ़ा देगा और तुम्हारी चटनी बना देगा। तुम्हारे ऊपर से बस चली जाएगी, समझ लेना। तुम सब लोग संभल कर रहना। अरे यार प्लीज, उस तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। अरे मत देखना यार, क्या कर रहे तू? अरे भाई मत देखना प्लीज, ऐसा मत कर, मत देखना भाई। ये गाना तो आज के नौजवानों के लिए ही है। और आज तो बस में ज्यादातर ओल्ड सवारी ही बैठे हैं। अरे बाप रे, गिर गया। खड़े रहकर टिकट नहीं दे सकता क्या? औरत के ऊपर गिरकर ही टिकट काटेगा? ब्रेक की वजह से मेरे ऊपर गिरा है या जानबूझ के? अरे इस माता जी से मुझे बचाओ। क्यों भाई, तू बस स्टॉप के अलावा हर जगह पर ब्रेक मारता है क्या? अब देर हो गई है, जल्दी चलो। 7:30 बजे। अरे 8 बज गए हैं, जल्दी चलो, कलेक्शन जमा करना है। भाई 7:30 बजे। अरे क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ देखो भाई। बाप रे, आज इस बस में किसी ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये सारे गुंडे हाथ में तलवार हथियार लेकर आए हैं, पता नहीं आज क्या करने वाले हैं। मैं नीचे जाकर इनसे बात करता हूँ। रुक जा, इनको मैं संभालता हूँ। अलग है, रुक। ए, तू अंदर जा भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, चप्पल से मारूंगा, चल अंदर। अरे मैं संभाल लूंगा, तू रुक तो यार। अंदर जा, अंदर। नाटक करता है, बस सुनो। अरे मैं संभाल लूंगा भाई। साइड में खड़े होकर हाथ दिखाओगे तो भी बस खड़ी करके बच्ची को चढ़ा लूंगा। इस तरह हाथ में हथियार लेके पूरा ग्रुप के साथ क्यों आ गए हो भाई? ये सब हम लोगों को पता है। ए, अंदर जाके देखो कोई है क्या? नहीं पापा। चलो बेटी, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। चलो बेटी। कब तुम लोग अच्छे से रहोगे, मैं यही सोचता हूँ। चलो जो भी हो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटी। नहीं पापा प्लीज। बताओ कौन है इसमें से, मैं देख लूंगा, बताओ। छोड़ दीजिए ना पापा, जाने। तुम सिर्फ बताओ बेटा। ये है। यही है क्या? हरणी, क्या प्रॉब्लम है? तुम ही वो टीचर हो क्या? तू तनख्वाह लेती है ना, मेरे दादाजी का डाला हुआ भीख है। इज्जत से मेरी बेटी से माफी मांग ले। चल इससे माफी मांग, चल। इससे टीचर क्यों माफी मांगेगी? ए सुन बेटा, ये हमारे बीच की प्रॉब्लम है, तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। मैं भी इनका एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। माता पिता गुरुदेव से पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं, और ऐसे भगवान जैसे लोगों को आप पब्लिक में बदनाम करके उनसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसा न्याय है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल में जाकर डिस्कस करना चाहिए, ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे रुकना भाई, मुझे भी तो कुछ बोलने दे। हाँ तो बुड्ढे, यहाँ पर जितने भी IAS हैं, IPS हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, तुझे पता है वो सब कैसे बने? हाँ ऐसे ही टीचरों की वजह से बने हैं, और तुम टीचर से माफी मांगने के लिए बोल रहे हो? हाँ पापा, मेरी गलती थी, मैं ही क्लास बंक करके सिनेमा देखने चली गई थी। मैडम को मत डांटिए प्लीज पापा। नालायक है कि तेरे कहने पर मैंने टीचर से माफी मांगने को कहा, एक चपाट दूंगा। टीचर माफ करना मुझे। क्यों बेटी, स्कूल छोड़कर फिल्म देखने के लिए चली गई थी और उल्टा इल्जाम टीचर पर लगा रही हो? और सुनो बुढ़ऊ, हाथ में तलवार रखना ही काफी नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी रखा करो। चलो नीचे, चलो जाओ। तेरी वजह से क्या हुआ? आज के बाद कभी तलवार मत उठाना। भी तलवार उठा सकते हैं, पता है ना? अभी तुझे काट डालूंगा, चल पीछे। ए ड्राइवर, क्या हुआ भाई? आँख से दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है, जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा, बहुत देर हो गई है। सुनिए कौन है जो माफी मंगवाना चाहता था, उसी से माफी मंगवा दिया, वो है कबीर भाई। यही वो कबीर है क्या भाई? उदय कुमार ड्राइवर,
हम क्या शांति आंदोलन में जा रहे हैं कि आराम से गाड़ी चला रहे हो? अरे कुछ गाना वाना चालू करो। जो बाकी मूछ है वो भी मूछ वाला काट कर चला गया। हे भगवान, चाहिए तो आप गाना गा लो। हाँ हाँ, ये कोई सोनू निगम है क्या जो गाना गाकर उखाड़ लेगा? तुम अपने आप को साधना सरगम समझती हो तो गाना सुनाऊंगी तो क्या दोगे? मैं तो कुछ भी दे देता हूँ। धूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा ये बेसुरा गाना नहीं सुनना है, हमारे कान पक गए। जाए, अगर तुम बोलो तो मैं गाना गाऊं। अच्छा, तुम गाना गाओगे? हाँ, ठीक है, गाकर दिखाओ। सर सरक जा उधर, तू सरक जा, मैं आया तेरे दिल के अंदर, सरक सरक सरक। ये बड़ा कहीं का कान फाड़ दिया, ये गा रहा था कि रो रहा था, चल पीछे जा। चलो पीछे जाओ। आज अपने बस वाला कितना कमाल का था ना। सुन, देखी क्या तूने? कौन सी वाली? क्या बढ़िया थी ना। हाँ, सही कहा। मैं तो उसी बारे में कब से सोच रहा हूँ। क्या बात कर रही है? कमाल का मूवी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे क्या लगता है? मुझे भी बहुत भूख लगी। वहाँ पर कहाँ चल रहा है? यहाँ सारे चलना खा रहे हैं। अरे गजरे की दुकान पे क्यों जा रहा था? मुझे भी भूख लगी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अच्छा सुन यार, हम लोग यहाँ से जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। चल अपना ध्यान रखना। अरे भाई चल, हम भी चलते, काफी लेट हो रहा है। कहाँ जाना? सोचा था लेट नहीं होगा, लेकिन जितना सोचो उतना ही लेट होता है। चलो चलते, वरना और लेट हो जाएंगे। अरे रुक जाना, कहाँ जा रहा है? इतनी जल्दी भी क्या है? अरे भाई, इंसान को ना सिर्फ 8 घंटे ही काम करना चाहिए, ऐसा रूल होता है। एक दिन ऐसे दुकान के सामने करके दिखाना। ठीक है यार, चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले उस गजरे की दुकान को देखते हैं। ऐसे मत देख यार। अच्छा वो है क्या? उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है। ए, तेरा जन्म खत्म हो गया और गाना भी खत्म हो गया, टाइम हो गया। एक काम कर, तू यहीं फील कर, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ए, रुकना, ये सब अचानक कैसे हो गया? कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। एक मिनट रुक जा। हा? सुनिए, जरा वहाँ देखिए। ये अच्छा लग रहा है ना? वो पीली साड़ी वाली लड़की जो खड़ी है ना, उसके पास जाएंगी ना तो वो 500 या 1000 रुपए देगी। बहुत अमीर है, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, ध्यान रखना। वो पीली साड़ी वाली। हाँ, खड़े खड़े देखता रहे। ए, क्या यार, तू उसे उसके पास क्यों भेज रहा है? कैरेक्टर कैसा भी पता चल जाएगा। खड़े खड़े देखते रहे, वहाँ होता क्या है? हाँ, बहुत दीदी सुंदर है। कुछ दे दो, दूध लेना है। हाथ पैर तो अच्छे है ना, फिर बच्चे को लेकर भीख मांग रही है। मार दिया यार, ये दूसरे सेट नहीं होने वाली। एक काम कर, चले यहाँ से। ऐसा यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। आइए, रास्ते का माल सस्ते में ले लीजिए। कॉलेज जाने के लिए लेट टाइम हो रहा है। रुक जा, आती हूँ, बच्ची खाना खा रही है, थोड़ा लेट जाते हैं। देखा हम कितना गलत सोच रहे थे, जैसा सोचा ऐसा कुछ नहीं था। उसने 5 मिनट में एक भिखारी को गजरा बेचने वाली बना, मेरा बच्चा। इसलिए मुझे वो चाहिए यार। तू खड़े खड़े उसको देखता रहे, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो रहा है। खा ले, अभी माँ आ जाएगी। बच्चा दे दीजिए। खा ले। धन्यवाद दीदी, अब मैं जाती हूँ। गुना, तहसीलदार की कार आ रही है। गुना, इस शहर में नए तहसीलदार आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मारा, चल बता। सर, शॉर्ट में अगर बोलूं तो यहाँ सब कुछ गुना ही है। गुनाह के साथ काम करने वाले को हमेशा फायदा ही होता है। गुरु से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन गुनाह के साथ आपको करोड़ों का फायदा होगा। समझ गए ना? सर, मैं बाकियों के जैसा नहीं हूँ। मैं जिसके लिए पगार लेता हूँ, उसके लिए ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूँ। गांव है श्रीरंगा, नाम है रंगराजन, बीवी का नाम है विशालाक्षी, इकलौती बेटी है चेन्नई SR कॉलेज में पढ़ रही है। सर बहुत गुस्से वाले हैं, सुबह टिफिन लेट हो गया तो इसीलिए गुस्सा करके होटल में खाना खाया। तहसीलदार सर, मैं ईमानदारी से रहने वालों को बहुत पसंद करता हूं। मारा, चल। अरे यार, तूने कहा कि बस स्टॉप पर वेट करके उसको बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई और आए और उसे बोलकर चला जाए, इसीलिए कह रहा हूँ तुझे, जाकर उसे अपने दिल की बात बोल दे। अरे मैंने कहा था कि बोल जा, कितना डरेगा। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा ना। बात करना आज नहीं करूंगा, किसी और दिन बात करता हूँ।
ऐसे ही देखते रहेगा या फिर ऊपर वाले से उसे मांगेगा भी? ए, मेरे लिए उसका दर्शन हो गया, वही मेरे लिए बहुत काफी है। क्यों रे बेटा कबीर? बोलो माँ। अभी तक तेरा कलेक्शन खत्म नहीं हुआ? नहीं माँ, अभी बहुत सारा कलेक्शन बाकी है। वो सब बाद में देख लेना, अभी कॉफी पी लो। माँ, लव मैरिज के बारे में आप क्या सोचती हैं? अब इसके बारे में क्यों सोच रहा है बेटा? नहीं माँ, वो क्रांतिकारी जेनी आपको पता है ना? हाँ। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई है। हाँ। सचिन तेंदुलकर है ना, उनका भी लव मैरिज हुआ है। अपने है ना अजित शालिनी, थलपति, विजय, संगीता, उनकी भी लव मैरिज हुई है। इतना ही नहीं, जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान ली, हिटलर, उनका भी लव मैरिज हुआ था। अभी उन लोगों की बातें क्यों कर रहे हो तुम? नहीं माँ, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, पर लव मैरिज में जो फीलिंग क्या है ना... हुआ बेटा, तू कब आई यहाँ? तुम्हारा बेटा कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहा था, तभी मैं आ गई। तुम्हारे बेटे को प्यार हो गया है क्या बेटा? तूने मुझे बताया नहीं? हाँ माँ, नहीं नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कलेक्शन करना है। हाँ भाई, हाँ मैं निकल गया हूँ, तू कहाँ पर है? अरे बेटा, मुझे बिना बताए तू कहाँ जा रहा है? देखो बुआ, मेरे अलावा इस घर में कोई और लड़की आई ना, आई तो मेरे बारे में तुम्हें पता है, माँ और बेटे दोनों को बाहर नहीं निकलने दूंगी। झूले में बिठा के झुलाएगी क्या? चल तू अपना काम कर जाके, हमारे घर में बहुत काम है, मिलके काम करते हैं ना। कॉफी पीने की जरूरत अभी लाती हूं। काम कराने से पीछे नहीं हटते तुम, शादी के बारे में बात करूं तो कुछ नहीं सुनते। ठीक है आ तो। अच्छा अच्छा, मुझे ताजा ताजा गजरा दे दो, देखते हैं क्या होगा। चाय की दुकान पे आके गजरा, आप ही गजरा वाली करके गाना गा रहे थे ना, देख तो कैसी हरकतें कर रहा है। ये लो मेरी जान, लो, ले जाओ। देखा, भाभी नहीं है तो उसे कैसे लाइन मार रहा है? सब देख रहा हूँ। अभी बताता हूँ इसे। तुम्हारे लिए सिर्फ दूध से बनाई हुई स्पेशल चाय है। आती हूँ। जाओ अच्छे से जाना। ओ मेरे दिल के राजा, चाय पीने के लिए आए हो तो चुपचाप चाय पी के जाओ। अगर किसी कस्टमर को परेशान किया ना तो गर्म पानी चेहरे पे फेंक दूंगा। मेरे चेहरे पे गर्म पानी फेंकेगा? जरा ये फोन ले जाकर उसे दिखाना तो, फिर देखते हैं गर्म पानी किस पे फेंका जाएगा। जल्दी से जगह खाली करो। जगह बाद में खाली करवाना, पहले फिल्म देख लो। कैसी फिल्म? तुमने कब शूट किया? ये पहले ही शूट कर लिया था। चल 500 रुपए दे मुझे, वरना दीदी को भेज दूंगा। लेके जाओ इसे, पैसे चाहिए ना? दूंगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे ना? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा? दो स्पेशल चाय बनाओ। बनाता हूँ, बनाना ही पड़ेगा। क्या रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई चंदे की रसीद के साथ? अरे कुछ नहीं यार, इलेक्शन शुरू होने वाला है ना, इसलिए कलेक्शन लेकर आया हूँ। हम लोग भी भाई के पास कलेक्शन के लिए आए थे। क्यों, गुना का पोस्टर देख रहे हो क्या? ये सब लोगों से लेना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते, इसके लिए अपने मास्टर जी ही ठीक रहेंगे। मैंने सुना है मास्टर जी की जमानत हो गई है। इंस्पेक्टर को मार के अंदर गए थे तो इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाले, वो तय रिमांड एक्सटेंड करने वाले हैं। भाई से बात करके ट्राई करना ही पड़ेगा यार, उस आदमी के पास जाने में रिस्क है। चल यार मैं देख लेता हूँ। ऐसा क्या, ठीक है तेरी इच्छा है तो चल जाते हैं। जाओ आता हूँ। जी भाई। क्यों रे यार मुगाम, कैसा है तू? ठीक हूँ भाई। उसको खत्म करने के लिए बोला तो उसका पोस्टर देख रहे हो तुम लोग? आपके बाहर आने से पहले उसे खत्म कर दूंगा। सिर्फ बोल मत कर, क्या है रे ये? सर आपका मनपसंद मटन का सालन है, दीदी ने बनाकर दिया है। उसे मारने के लिए बोला था और तुम मटन लेके आ रहा है? चल। चलिए मास्टर जी, अगला केस अपनाइए, जल्दी चलिए।
ए, तुझे पता है ना मुझे मटन बहुत पसंद है, चल डाल। देता हूँ भाई। बस बस और बस, देना। बस बस कर, बस हो। जन्मदिन की पार्टी में केवल शराब पियेंगे और खाना नहीं खाएंगे तो पेट का क्या होगा? अच्छे से खाना खाओ भाई, दारू डालने वाला तू ही है ना। अगर पोस्टर इतना बड़ा है तो लगता है हमें कलेक्शन भी बड़ा ही मिलेगा। चल अंदर जाकर देखते हैं। क्या यार, जन्मदिन का पोस्टर देखकर लग रहा है कि अपना गुना भाई एमएलए बन ही जाएगा। एमएलए कौन बनेगा, कौन ने उसका कुछ हिसाब नहीं हुआ है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? देख, कामराजन को कुर्सी गन की वजह से मिली है। आजकल लोग गुंडागर्दी और चोरी करके ही पद पर बैठ रहे हैं। हम यहाँ पर डोनेशन लेने के लिए आए हैं, ना कि राजनीति करने। हाँ ए, कौन हो तुम? भाई, हम भाई से मिलने आए हैं। ए, हाथ काटूं, पैर काटूं या सर काटो? पहले जाके अपनी दाढ़ी कटवा। डोनेशन लेने के लिए आए हैं भाई। हाँ भाई, डोनेशन? हम लोग खुद ही सब लोगों से डोनेशन लेकर कुंभकर्ण का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो क्या है ना, भाई का जन्मदिन है इसलिए आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ भाई। ए, डर अंदर रहना चाहिए, जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है भाई, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। ए, इसे यहीं रहने दो, इस पर डाउट है। अच्छा, इसे चेक करो। चल 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 इधर। अरे भाई, कट जाएगा मेरा गला। नमस्ते मित्र। नमस्ते मित्र। सुबू का लड़का है क्या? ठीक है। हाँ भाई। डोनेशन चाहिए क्या? अच्छा, क्रिकेट प्रतियोगिता है या कम? नहीं मित्र, जनता यूनियन के साथ हम लोग नेचुरल खेतीबाड़ी के मामले में सम्मेलन चला रहे हैं उसके लिए। क्यों रे? मैंने सोचा कि तू पढ़ाई करके कुछ करेगा, तू अपने पापा के जैसे सोसाइटी के पीछे भाग रहा है। ठीक है ठीक है, मारा देकर भेज दे। क्या गुना, ये लोग डोनेशन लेकर सम्मेलन थोड़ी ना करने वाले हैं, सब लोग मिलकर एक साथ शराब पीकर गांव घूमने वाले लोग हैं ये। ए, उसके बाप के बारे में नहीं जानता, दे दे उसे। धन्यवाद मित्र। ए, चलो खाना खा लो। जी भाई। हाँ, टॉवेल दे। सुन भाई, तेरा सिद्धांत क्या है? जो आपका सिद्धांत है वही है। मेरा सिद्धांत वो क्या है? आपका खाना होने के बाद आपने बाकियों को भी खाना खिलाया, यही मेरा सिद्धांत है। तेरा सिद्धांत अच्छा है, चल जा जा। आता हूँ मित्र। हाँ भाई ने जैसा बोला है ना वैसा हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके भाई। हाँ ठीक है भाई। हाँ, यहाँ मेरा दोस्त था, कहाँ चला गया? अरे मैं यहाँ पर हूँ भाई। हे, तू वहाँ क्या कर रहा है और तू ऐसे क्यों बैठा है यहाँ पे? इन लोगों को लगा मैंने कोई हथियार छुपा रखा है इसलिए मुझे यहाँ बिठा दिया। क्या हथियार भाई, ये तो प्याज काटने के भी लायक नहीं है, ये कैसे हथियार लाएगा? छोड़ दीजिए। बोलो ना, मेरा कपड़ा दे दे। क्या सोच रहे भाई? ये ले, घर पे जाके धो लेना इसे। दिवाली तो आने दो। डोनेशन मिल गया। पर यार, गुना के बारे में लोग बहुत गलत बोलते हैं, एकदम मस्त कलेक्शन हुआ। तू कलेक्शन लेने गया और इन लोगों ने मेरा कपड़ा उतरवा दिया। छोड़ना यार ये सब, चलो अब। लेकिन एक बात कहूँ यार, तूने कहा कि मैं बात करते समय प्याज काटने लायक भी नहीं हूँ, ये सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुंची। अरे मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया, जानबूझकर थोड़ी बोला। तो ऐसे सबके सामने मुझे बदनाम करोगे क्या? ये लीजिए टिकट। तूने सच ही कहा था, मुझे लगता तो यही है। हाँ, है ना? मजा आया। हाँ देखा। अरे पापी, ये शंभुनाथ पागल हो गया है क्या? ए! आगे मोड़ आने वाला है, सावधान रहना। भाई रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। ए, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, किसी और के लिए बोल रहा हूँ, तू गाड़ी चला। क्यों बहन जी? हाँ? तुम्हारे पीछे मर्द लोग खड़े हैं, बाद में तुम चिल्लाने लगोगी इसने धक्का मार दिया, उसने छू लिया। अरे थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी हो जाओ। हाँ? इसकी चर्बी कम नहीं है, जिसके पास दांत है वो तो खाएगा ही। तू चुपचाप खड़े होकर देखना, जा तू। तो ये रंगीन पार्टी है तो फिर शंभुनाथ तुम जमकर पार्टी करो। क्या भाई, लगता है शाम को सूप है। तू भी क्या फालतू की बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि सारा पंगू को सूप हजम भी होगा। सही कहा, सही कहा। तुम्हें भी सूप चाहिए क्या? अरे मुझे क्या चाहिए। टिकट 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 टिकट। जिसने टिकट नहीं लिया है टिकट ले लो, जो बाकी है वो टिकट ले लो। टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट 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 टिकट।
देखते हैं कि अरे क्या कंडक्टर होता है? अभी अच्छा गाना भी सुना दिया कर, जब देखो रसम पूरी सामर पूरी गाना गाता रहता है। कैसा गाना सुनाओ? अरे वो गाना है ना जो कृष्णा और राधा साथ में मिलकर गाते हैं ना, वही गाना सुना दे। अच्छा एक घुमा कर दूं क्या? सीधा खिड़की से बाहर जंप करोगी? चीता पर लेटने की उम्र में रोमांस वाले गाने चाहिए तुम्हें? ए ड्राइवर, कल ये जिंदा रहेगी कि नहीं पता नहीं, आज रोमांटिक गाना लगा दो भाई, सबको सुनाओ। अरे कोई से उठाओ तो। पागल यार, इन लोगों का मस्त कॉम्बिनेशन है ना। हाँ वो ठीक है, पहले इसे मेरे ऊपर से उठाओ। जब भी देखो तू कोबरा नाक की तरह इधर उधर घुसते ही रहता है, अकल नहीं है क्या? चल तू कुछ नहीं कर पाया इसलिए जल रहा है ना मुझसे। अरे जा यहाँ से। ये शंभुनाथ मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? ए टिकट 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 बोलो, टिकट 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 टिकट। 30 साल पहले तुम्हारे दादाजी और मैं ना इसी तरह से हमने। दादी मुझे आपकी कहानी नहीं सुननी है। तेरे नसीब में ही नहीं है तो सुनेगा क्या? बुढ़ी में आज भी चाहत है। क्यों बे, तू हमेशा गाना गाते हुए ही आता है, बैठ कर गाना गा। चल यहाँ बैठ जा। आ जाओ गाना गाएंगे, अपनी बस है। नौजवानों को पसंद है ऐसा गाना गाना। मैं तेरा हूँ तू मेरी है, तू मेरी है जान, तू मेरी है मैं तेरा हूँ जान, तेरे संग जीना है तेरे संग मरना है, तेरे बिना कहीं नहीं मुझे तो है जीना है। मेरी जान तू है मेरी, मेरी जान तू है मेरी, तू है मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। हम भी पता चल रहा है कि तू इस बस स्टॉप पे क्यों उतरती है। मुझे भी ये लगता है। हाय कबीर, क्या फूल की दुकान लगा रखी हो? इसके लिए आई हूं। एक बात बताइए, फूल की दुकान में खड़े होकर फूल की दुकान क्यों लगाए हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? उस दिन आपने खुद भिखारी को फूल वाली बनाया और मैं फूल वाली को फूल बेचकर दुकान का मालिक बन गया। बस बेटा कबीर, लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज? तू पूछ रहा था ना, तुझे किसी से प्यार हो गया है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी ही इच्छा है ना कि घर में दिया जलाने के लिए एक बहू आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है बेटा? सही तो कह रहा हूँ माँ। तू कहीं किसी दिन किसी को घर मत ले आना। हाँ, जो भी आएगी वो बहुत खूबसूरत लड़की होगी माँ। मेरा बेटा जो भी कहता है वो सही होता है। ए हटो। अरे क्या मूर्ति भाई, आज बड़ा स्लिम दिखाई दे रहे हो। अरे श्याम किशोर, तेरा भाई अब जिम में जाता क्या है। क्या कह रहे हो, जिम जा रहे हो? पर ये सब कब शुरू किया? वो बात ऐसी है ना कि मेरा एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार फिल्मों का डायरेक्टर है और वो बार बार बस में आते जाते रहता है और मैं उससे पैसे नहीं लेता, और उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी एक आने वाली फिल्म में मुझे हीरो बनाएगा। क्या कहा, हीरो बनाएगा? आज के बाद भाई स्टार कहलाएगा। भाई कबीर, कितने दिनों तक इन चेहरों को देखता रहूंगा मैं? अरे कभी तो लोग मुझे देखकर सीटी बजाए ना। क्या कहा, सीटी बजाए? आपको देखकर कोई सीटी बजाएगा क्या? बिल्कुल सही कहा मेरे लाल। कब तक ऐसे मनहूस चेहरों को देखता रहूंगा मैं? कभी तो कोई मेरा फेस देखने आएगा। जरूर देखेगा। क्या है ये सब? अरे कुछ नहीं यार, ये हीरो बनकर एक्टिंग करना चाहता है, इसे हम ही नहीं देखेंगे। चलो चलो। तो दुनिया वाले कहाँ से देखेंगे? जिसको समय पूरा उतरना है आ जाओ, समय पूरा वाले बाहर निकलो। चलो चलो, सब लोग उतर गए, चलो चलो जाने दो। क्या यार, मेरी वाली अब तक नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। चलो चलो जाने दो। अरे कंडक्टर, क्यों बे हीरो शंभुनाथ, चलती बस में ही चढ़ता है, चलती बस में ही उतरता है, यही तो अपनी आदत है। ठीक है, सीट खाली है, अंदर आकर बैठ जा। ये कौन सी MLA की सीट है? देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शराब पीने के बाद भी होश में बात कर रहा है। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? हमेशा जाता हूँ वहीं जाना है। टिकट चाहिए ना? दिल करे तो उतरते वक्त दे देना। चलो ठीक है, टिकट टिकट टिकट। हाँ चलो चलो, चढ़ो चढ़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी करो, चलो जाने दो। Mm-hmm.
बहन जी टिकट ले लो, टिकट ले लो। किसी का पैसा बाकी है तो मांग लो, टिकट बाकी है तो टिकट ले लो। कोई बाकी है क्या टिकट के लिए? तूने दे दी ना, तूने ले लिया ना, चुपचाप रह। बस स्टैंड आ गया, चलो चलो चलो, उतरो उतरो उतरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग उतरो आ जाओ। चलते हैं। चलो भाई बस स्टैंड आ गया। ए, तू नहीं उतरेगा क्या? मैं उतर जाऊंगा, तू जाना। तू कभी नहीं सुधरने वाला है, केवड़ा कहीं का। ये तो नोट फटा हुआ है। ए, तू इसके लिए अभी तक बस में खड़ा था क्या? ये तो 15 दिनों से बस में ऐसे ही पड़ा है बेवकूफ। 15 दिनों से पड़ा हुआ है और किसी ने उठाया भी नहीं। तूने उठा लिया ना? अरे ठीक है, देख लूंगा मैं। उसे लेकर तू क्या करने वाला है? अरे इसको मैं चेंज कर लूंगा। कैसे? ये सब टैलेंट है यार, तू जान। अरे शराबी कहीं का, बहुत टैलेंट है तेरे में। ये टैलेंट सिर्फ मेरे अंदर है। यार नंदिनी अब तक क्यों नहीं आई? जरा उसके फ्रेंड से पूछ के देखना। देख भाई, मैं इन सब में हेल्प नहीं कर सकता। तू एकदम क्रांतिकारी की तरह बातें करता है। मेरी बात सुन, इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, वो तुझसे सेट नहीं होने वाली। खामखा मेरा नाम खराब हो जाएगा। क्या यार, क्रांतिकारी लोग प्यार नहीं कर सकते क्या? क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स ने भी प्यार किया था, पता है ना? अरे चुप कर यार, अपने प्यार की तुलना ना बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ मत कर। वो यहाँ क्यों नहीं आई तुझे इतना ही जानना है ना? हाँ जानना है। चल उसके फ्रेंड से पूछते हैं, आ जा। हे आम की गुठली। आम की गुठली बोलोगे ना थप्पड़ मारूंगी। मेरा नाम काजल है। गुस्सा करती तो अच्छी दिखती है ना? पूछना मेरे यार। तू क्यों पूछ रहा है? मुझे कुछ नहीं पूछना, मेरे दोस्त को पूछना है। मेरे पास तू है तो मैं किसी के बारे में क्यों पूछूं? भाई कादिर भाई, आप भी क्या, तुम बहन किसको बोल रहे हो? वो सब रहने दो, वजह बताओ। ज्यादा भाई भाई मत बोल समझी, जो पूछ रहा उसे बता दे। कल एग्जाम है, छुट्टी लेकर वो पढ़ाई कर रही है। तुझे नहीं पढ़ना क्या? वो सब मुझे पता है, तू जा। जो शहर में घूम रही है ना, तेरे बाप को बता दूंगा। ए सुनना, उसके घर जाकर देख कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मालिक चिल्लाएगा, मैं जा रहा हूँ। ए क्या यार, पूरे गांव की तो बड़ी मदद करता है पर अपने करीबी दोस्त की जरा भी मदद नहीं करेगा। करीबी दोस्त? अच्छा अपना काम दे। ए भाई हा? बहुत अच्छा आइडिया है यार। तू जाकर वापस आ, तब तक मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है, तू उधर चल, चल मैं कॉल करता हूँ। हाँ चल चल चल, कॉल करना ध्यान से। नंदिनी, नंदिनी से जाने दो, हम लोग चलते हैं। हाँ बोलो कबीर। सॉरी मैंने धीरे से ही बोला था लेकिन आप पलटी नहीं, इसलिए मैं चिल्ला दिया। कोई बात नहीं, बोलो। 5 मिनट में आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ क्या? शाम को बात कर सकते हैं। तो फिर मैं बस स्टैंड पे वेट करता हूँ। क्या रे, पहले पब्लिक प्लेस में मिलती हो और फिर कहती हो बस स्टैंड पर मिलते हैं? कहानी वही जा रही है ना? कबीर के बारे में पूछा तभी समझ गई थी मैं। कबीर भले ही वो एग्जाम देने के लिए जा रही है लेकिन इवनिंग में पता चलेगा कि वो पास है कि फेल है। हे, मुझे पता है कि वो जरूर पास होगी, देखना तू सही कहा ना? बिल्कुल सही, तू गलत हो सकता है। अरे यार समय पूरा कहाँ चला गया? वो देखो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्या रे, देख तो इसे। नंदू भाई एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक देना। क्या दोस्त, हम सबको छोड़ के अकेला ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तू? अरे भाई दोस्त के बिना बियर पियेंगे तो गलत है, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ यार। हमारे लिए भी एक कोल्ड ड्रिंक बोलना। वो क्यों, इन लोगों को लव का आइडिया देने वाले हम लोग हैं लेकिन जब लड़की से मिलने जाते हैं तो हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा। अरे यार मैं फ्लो में चला गया था, अच्छी बात तेरे से बोलने के लिए आया था। जिस काम के लिए गया था हुआ क्या? नंदिनी से मिलकर बात कर ली। हाँ उसने मुझे शाम को मिलने के लिए बोला है। अच्छा हो गया क्या? अरे भाई मेरे दोस्त का लव ओके हो गया है तो जल्दी से 3 कोल्ड ड्रिंक दे दो। ठीक है, जल्दी मत कर, शाम को हम लोग मिलने वाले हैं। अभी तक मिला नहीं क्या? नहीं वो ऐसे। भाई भाई कोल्ड ड्रिंक कैंसिल। कैंसिल नहीं कर सकते भाई, ये लो पियो, पकड़ो लो लो पी लो। भाई आपको देख के बाकी लड़के भी प्यार करना सीखेंगे ना, आप अपने प्यार का इजहार तो करो, पत्थर भी पिघल जाएगा, जाओ जाओ सक्सेस होगा। थैंक्स भाई। अरे यार देख भाई ने भी कह दिया तो आज शाम को हम लोग मिलकर बैठ के शराब पियेंगे क्योंकि भाई का प्यार ओके हो गया है, क्यों क्या कहते हो? ठीक है मेरे भाई। चीयर्स। ए चीयर्स करना। समझ रहा है ना? गड़बड़ मत करना। अरे यार मैं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे हाथ पैर कहाँ हैं। देखते अब क्या होता है। तो अरे सुन,
वो दुकान से बाहर आ रही है, कुछ गड़बड़ करे बिना उसको सब कुछ बोल दे। जा देख फोन पर जो बात कर रहा है भाई। गुनाह के खिलाफ कंप्लेंट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? नहीं सर, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। कह रहा है खत्म कर दे इसे। नहीं 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 सर, छोड़ दो। तुम लोग सुधरोगे नहीं क्या? ए, चलो यहाँ से, कभी न कभी हमारे हाथ लगी जाएगा। हे, तूने देखा इसने गुना के आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया यार? ये कोई छोटी मोटी इंसान नहीं लगती। गुना की बहन पे कोई नजर डालेगा ना तो काट डालेंगे उसे। इस बात को ध्यान में रखना सब लोग। तूने सुना क्या? चल भाई निकलते हैं यहाँ से। तुम बोल रहे थे ना तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है, बोलो। कोई बात नहीं करनी सिस्टर। हे चलना। ए रुक जा, गुना की बहन है तो प्यार नहीं कर सकते क्या? नंदिनी, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार बस में देखा था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बस मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था। हे शिव शंकर शंभो, अच्छी बीवी दी, अच्छा सा बच्चा भी दे दो। जय शिव शंकर। अरे तुझे सोचा है तो मुझे दक्षिणा देनी होगी। हाँ, ये कौन है रे? अरे बेवड़ा, तू अंदर क्या कर रहा है? रात को दारू में डूबा रहता है, सुबह पानी में डूबा हुआ है। वो सब तो ठीक है, अगर तू चाहता है कि तेरी प्रार्थना पूरी हो तो मेरी दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी। तेरे लिए क्या अच्छा करना है? मुझे 180 रुपए की जरूरत है। तुझे 180 रुपए क्यों दूं? 12:30 बजे तक बॉडी को सहन करना पड़ेगा ना, उसके लिए ब्लैक में 180 रुपए दे दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्यों बे, वो तो 150 रुपए में आती है ना। अरे यार, गिलास और चखने के भी तो लगते है ना। अरे रे, ये ले, अब मुझे बच्चा होगा ना। होगा होगा, अच्छे से प्रार्थना कर। 180 रुपए देके सोच रहा है बच्चा हो जाएगा? पहले बोलते हैं कि मंदिर जाकर पूजा करो तो बच्चा होगा, अब बोल रहे हैं कि इसको क्वार्टर ला कर दूंगा तो बच्चा पैदा होगा। कुछ भी हो, अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मुझे खुशी होगी। अरे तू जा, तुझे बच्चा होगा, जा जा जा। आइए जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। क्या हुआ गुना सर? पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा मत समझना। आपके आदमियों का दिन दहाड़े मर्डर करने का प्लान बन चुका है। मास्टर जी का हालत तो आपको पता है ना, पुलिस को कम मत समझना, एक दिन तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा, संभल के रहना, तुम्हें समझाने आया हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। देखना कितनी बार बोला है, स्केच किया है तो मिस नहीं होना चाहिए। अब देख। नहीं गुना, कल ही खत्म कर देते, लेकिन बहन आ गई। मेरी बात सुन मारा, तलवार को हाथ में उठा लिया तो सेंटीमेंट नहीं देखने का, अगर सेंटीमेंट देख लिया तो तलवार फेंक देने का, समझा? ठीक है गुना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। गुना ने जो काम दिया वो ठीक से नहीं हुआ, अगर ये बात बाहर पता चल गई तो मेरे ऊपर जो डर है वो सब चला जाएगा। अगर वो डर जब तक है तब तक तू और मैं दोनों जिंदा है। गुना, मैं रायर बोल रहा हूँ। हाँ। पैसा रेडी है? ठीक है, मारा नहीं आएगा इस बार, शिवा आएगा, देख लेना। ठीक है। ठीक है शिवा, रायर को जाकर मिलकर। ठीक है भाई। ए, कहिए भाई। संभल कर। जी भाई। उन लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, यही हम चाहते हैं, और तुमने बस स्टैंड में ऐसा काम किया। क्या बेटी, कोई किसी को मारे काटे तुम्हें क्या? आज किसी ने किसी और को काटा, कल कोई दूसरा किसी को काटेगा। मेरी बात को समझो, इस तरह से खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जो बोलना था वो बोल अच्छा दिया। अच्छा तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? आप क्या बात कर रहे हो? फिर तुम भी जाओ उन लोग के साथ, तलवार उठा लो। वैसे ही हमें किसी त्योहार में लोग बुलाते नहीं है, गुंडे का परिवार है ऐसा सोचते हैं लोग। तुम इसका सपोर्ट कर रही हो, मेरी वजह से तुम लोग बची हुई हो। अच्छा तो उस बात का गुस्सा आप मेरे ऊपर निकाल रहे हो? चाची, आप मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रही हैं? मेरे लिए सब कुछ आप और चाचा ही हैं। आज के बाद मैं किसी भी मामले में बीच में नहीं आऊंगी।
तुम कोई फिक्र मत करो बेटी, हम लोग हैं ना। माँ पापा को डांट कर अब खुद ही सवाल कर रही हो। दीदी चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। सुनिए वो भी तो अपनी ही बेटी है ना, इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे थे? मुझे ये पता है, मैं उसके अच्छे के लिए कह रहा था, उसकी पढ़ाई खराब ना हो इसलिए कह रहा हूँ। देखो कॉलेज के बच्चे लोग आ रहे हैं, चाय कॉफी बना के दे देना उनको। हाँ जो बोलना होता है वो तो बोल देते हो, बाद में मुझे ही संभालना होता है। नंदिनी मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार बस में देखा था उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बस मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा था, मुझे बस तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। नंदिनी बेटी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं चाची। चाचा ने जो बोला उस बात को दिल पर मत लेना बेटी, कॉफी बनाकर रखिए जाकर पी लो। जाओ दीदी को लेकर जाओ। ठीक है माँ, चलो दीदी चलते हैं। मीना तुम नंदिनी के लिए चाची नहीं हो, सब कुछ तुम ही हो, एक माँ की जगह पर उसकी माँ बनना। अरे यार तुम सब कहाँ पर हो? भाई हम सब लोग फॉरेन आ गए हैं। क्या कहा? और क्या, गुना की बहन से प्यार करेगा, हम सबको ऐसे छोड़ देंगे क्या वो लोग, इसलिए हम लोग फॉरेन आ गए हैं। क्या यार तू भी ना मत करो मूर्ति भाई, हम नौकरी करने वाले लोग नहीं है, नौकरी देने वाले लोग हैं। आकर गाड़ी में बैठ जाइए। तुम लोगों के साथ जाऊंगा तो ये अंडरवियर भी उतरवा लोगे। अरे बैठो ना। पता नहीं तुम लोग मुझे कहां ले जाने वाले हो। इसका पूरा कपड़ा उतरवाना ही पड़ेगा। ठीक है यार चल देख कर आते हैं। हमारे साथ आ गए वो भी उतर जाएगा है ना। क्या श्याम किशोर, इतने सालों से उस मालिक के साथ ईमानदारी से काम किया, उसने एक धोती भी नहीं दी मुझे। कैसे रे, चल दे तुझे धोती का क्या काम, चल निकल। ये लो पहनो। चलो मैं। वाह मेरे यार। उस मालिक ने मेरे सारे कपड़े उतरवा लिए। श्याम किशोर मैंने तुमसे धोती के लिए कहा तो तुमने मुझे धोती दे दी। हा? तुम्हें धोती मिल गई ना। ए! तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये देखकर इतना शौक क्यों हो रहे हो? ये क्या मेन डोर बंद हो गया था क्या जो इस तरह तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए? तुम जो बोल रहे हो वो सही है। हा? पर इन्होंने पीछे का दरवाजा आगे कर दिया। चलो चलते हैं। ए, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग तो फॉरेन में थे ना? हाँ यार हम बाहर जाएं या फिर फॉरेन जाएं, आना तो बार में ही है। फोकट में शराब पीने आया और यहाँ बोल बचन कर रहा है क्या? शक्ल तो देखो अपनी। ए श्याम किशोर चल अब दारू मंगा। चाहिए तो मैं ऑर्डर करूँ क्या? है? ए तू यहाँ कैसे आ गया रे? ये मेरा एरिया है भैया। ऑर्डर करने की बात कर रहा है, पैसे कहाँ है? अरे देख ना यहाँ रखे हुए। अबे बेवड़े आधी नोट लेकर घूम रहा है तू, इससे क्या आएगा? उसको चुपचाप मोड़ ले और अपनी जेब में रख ले, आधी नोट लेकर आया है ऑर्डर देने के लिए। भाई जरा यहाँ ना, तीन बियर लिखो। एक हाफ और एक कटिंग। हाफ चाहिए? तुम हाफ ही लेकर आना जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी लेकर आ जल्दी। कबीर के लिए भी तो कुछ मंगा दो। अरे हाँ भाई मैं तो भूल ही गया। ए भाई मेरे दोस्त के लिए अचार दे देना, बेचारा बैठ के चाटेगा। तो फिर और क्या बोलूं, 2021 चल रहा है अभी भी बैठ के पेप्सी और कोक पी रहा है, अरे कब तक पिएगा? अच्छा भाई सुन एक सोडा लेकर आना। अच्छा सुन मुझे तुझसे एक बात पूछनी है यार। हा? क्या है? तूने बस स्टॉप पर देखा था ना उसने गुना भाई के आदमी को थप्पड़ मारा, मैं तो बहुत डर गया था। अगर तू करोड़पति की बेटी से प्यार करेगा तो मैं कैसे हेल्प करूंगा यार, ऊपर से गुना की बहन है वो। अरे यार तुझे प्यार करने के लिए वही मिली थी क्या? ऐसा ना हो तेरे प्यार के चक्कर में हम सब प्रॉब्लम में आ जाए। पापी लोग इसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और इसी के लिए तुम लोगों ने पार्टी रखी है। भाई तुम जरा चुप करोगे, यहाँ सीरियस बात हो रही है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी। नहीं यार मैं उसके बिना अपनी दुनिया सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर हम लोगों ने भी एक फैसला किया है। क्या फैसला? अरे सुन एग्रीमेंट पढ़ के सुना। तंजय डिस्ट्रिक्ट कुमकरण तालुका उदयपुरम ग्राम सुबू का बेटा मैं कादिर गुना की बहन से प्यार करने की वजह से उनकी दोस्ती को हम लोग तोड़ रहे हैं। इसके जरिए कदीर का और हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा हम लोग अपने होशो हवास में लिख रहे हैं। ये एग्रीमेंट तैयार है, इस पर साइन करते हैं। क्या यार देखो चाहे तुम लोग एग्रीमेंट बनाओ या साइन कराओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा दोस्त समय पूरा मेरे साथ है। एग्रीमेंट रेडी करने वाला यही है। इन सब की वजह तू है क्या? सोच क्या रहा है, साइन करना। अगर चाहिए तो मैं साइन कर दूं क्या? ए, ये पेपर का रजिस्ट्रेशन है क्या?
ये प्यार का मैटर है यार। अच्छा प्यार, प्यार का मुझसे बहुत दूर का रिश्ता है। एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो। धोते धोते ही सफेद होगा, पीते पीते ही नशा चढ़ेगा, टकराते टकराते ही मूड बनाकर आदमी जोली रहे। अरे नालायक कहीं का, तुझे प्यार के बारे में पता है तो यहाँ पीने के लिए क्यों आया है तू? हाँ चुप रह। अरे ये क्या क्या बोलता जा रहा है? मुझे नहीं पता भाई। तुझे नहीं पता क्या? चल किसी मंदिर में घंटी बजा के आते। अरे तू जरा चुप रह। हे तू जाके जवाब पूछेगा जब फिर हम लोग जाए उससे जवाब पूछ कर आए। हाँ ए चुप रह यार, बिना वजह घूमता है। कबीर मैं नंदिनी बोल रही हूँ। बोलो नंदिनी। मैं पालकर में वेट कर रही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी आ जाओ। मैं 5 मिनट में आया। हेलो यार, मैं नंदिनी से मिलने जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, फोन रख। कबीर पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे पता है, सुनसान जगह है, बस तुम और मैं हूँ, प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए यही सही जगह रहेगी। कबीर पागलों की तरह बात मत करो, मैं तुम्हें एक साधारण लड़के की तरह ही देखती हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें बस यही पता है कि मैं गुना की बहन हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल लाइफ में कैसी थी तुम्हें पता है? ए बिच्छू, बिच्छू चिल्ला क्यों रही है? क्या कर रहा है तू? तेरी चित्र बना रहा हूँ। इधर ला। अच्छी ड्राइंग बनाई है तूने। ए नंदिनी तू बहुत हैप्पी है ना? ए बिच्छू 4 दिन में स्कूल नहीं आऊंगी, इसीलिए तू बाहर घूमना छोड़कर सीधे सीधे स्कूल जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। ये स्केच किसने बनाया? बिच्छू ने भैया, उस दिन आपने स्कूल में जिसे देखा था ये वही है। अच्छा बनाया ना। लो पकड़ो, चल चल। देख लिया गुना, मैंने उसी दिन बोला था लड़के पर भरोसा करने का नहीं। उसने कितना खूबसूरत स्केच बनाया है, कितना प्यार करता होगा बहन को। ए छोड़ना, पढ़ने वाले बच्चे। नहीं गुना, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो कौन है रे? हमारी बहन है। गुना उधर देख, उस लड़के के साथ अपनी बहन है। बिच्छू तू अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से एक डॉक्टर बनेगा, समझा? थैंक यू नंदिनी। और तू बनेगी कलेक्टर। उसने उसका कितना खूबसूरत स्केच बनाया है, तो कितना प्यार करता होगा इसे। भैया तुमने उसे क्यों मारा? साथ में पढ़ने वाला ये समझ कर छोड़ दिया तो ये उड़ रहा है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं वो है। बंद करो, बच्ची समझ कर छोड़ दिया था, चलो। बिच्छू, बिच्छू। अरे ये क्या कर दिया? क्या हुआ इसको? देखो, अरे इसको खोलो। मेरी बात सुनो। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, हाथ छोड़ो। नंदिनी रुक जाओ, गुना जो भी करेगा तुम्हारी भलाई के लिए करेगा। क्या बोला? मेरी भलाई के लिए? मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकती, सब मुझे
दोस्ती करने के लिए डरते हैं। सभी बच्चों को मुझसे डर लगता है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक गुंडे की बहन हूँ। इतना ही नहीं, अपने रिश्तेदार भी अपने किसी भी फंक्शन में मुझे नहीं बुलाते और ना ही आते। उसका कारण भी मेरा भाई गुंडा है। आज बच्चों को जाने बिना एक अच्छे इंसान को मेरा फ्रेंड है कि मेरा लवर है या बिना जाने, तुम लोगों ने मिलकर बेचारे बच्चों को मार दिया। और कितने लोगों की जान लोगे तुम, हाँ, तुम्हारी गुंडागर्दी की वजह से। बस हो गया भैया, माँ पापा सब कुछ तुम थे, लेकिन अब बस। अगर मैं किसी को दोस्त बनाऊंगी तो तुम उसे भी मार दोगे। सच बोल रही हूँ ना, हाँ? आज के बाद मैं इस घर पर नहीं रहूंगी। अरे बाप रे, जिस दिन तुम अपनी गुंडागर्दी छोड़कर आओगे उस दिन मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगी, लेकिन तब तक मेरे लिए तुम अजनबी हो। तुमसे मैं दूर रहना चाहती हूँ भैया। नंदिनी रुक जाओ। बिच्छू को अपने सामने मरता देख मैं जी नहीं पाई। मेरा भाई कभी ना कभी सुधर जाएगा, इस विश्वास से मैं यहाँ पर जी रही हूँ। उस दिन तुमने बस में बैठी टीचर के सपोर्ट में बात की और उस फूल वाले को दुकान खोल कर दी, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई। उसे कम मत होने देना कभी, कभी भी नहीं। बाकी मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे क्या कह रहा है भाई, उसने तुझसे ऐसा कहा? हाँ यार, जिस दिन उसका भाई गुना तलवार फेंक कर आम इंसान की तरह जिंदगी जिएगा, उसी दिन वो प्यार के बारे में सोचेगी। तब तक वो इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचेगी, उसने मुझे बोल दिया। अरे यार अच्छा हुआ ना कि पनौती छूट गई, तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। कबीर, प्यार जो होता है ना वो एक शराब की तरह होता है, जब तक पियोगे नहीं कुछ नहीं होगा, जैसे ही पियोगे ना मस्त चढ़ती है। अरे भाई अपनी कॉमेडी बंद करोगे कि नहीं? मैं एक आइडिया बताऊं क्या? सुनो कबीर, अगर गुना को उसकी तलवार नीचे फिकवानी है और तुम्हारे प्यार को सक्सेस करना है, तो आज है ना अमावस की रात है, गुस्से में रहने वाली काली माता आज शांत रहती हैं, ठीक उसी तरह गुस्से में रहने वाला गुना भी आज शांत रहेगा। अभी आज रात को 8 बजे मार्केट से गुना का जाने का टाइम है। लड़की का सारा पैसा सेटल करने के बाद कुची कुमार को लेकर इस बाईपास के रास्ते से जाएगा। बस बाईपास रोड के पास यहाँ पे सिंगल रास्ता है, और अगर वो उस रास्ते से गया तो जंगल के बीचों बीच इस जगह पे हम लोग उसे गुना को खत्म कर सकते हैं। इस बार बचना नहीं चाहिए। वहाँ जाकर अपनी तकलीफ बताना, फिर उसका निवारण हो जाएगा, तुम्हारा प्यार वर्कआउट हो जाएगा। हाँ यार, उस दिन तुम डोनेशन मांगने गए थे तो तुम्हें उसने दिया था, लगता है तुम्हारे लिए उसके मन में इज्जत है। मैंने तुम्हें जो बताया उस आइडिया पर तुम्हारा काम बिल्कुल हो जाएगा। जाओ तुम लोग। अच्छा चलते हैं। ठीक है चलो। भाई तुम लोग जाओ, भाई जाओ जल्दी, जाओ जाओ। ए चलो। अरे लेट भी हो जाए आज गुना से अपन मिलेंगे भाई। ए शंभुनाथ, शराब पीने आया है ना, वहाँ देख पड़ा है, पी ले। इसी जगह पे गुना को उठाना है। इस जगह के अलावा कोई और महफूज जगह तो मुझे नहीं दिख रही है, समझ गए ना तुम लोग? इस जगह पे गिरेंगे उसे। प्लान ओके है, खत्म करते ही मुझे फोन करना। भाई क्या हुआ पूछी? ऐसा लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है भाई। ए पूछी, यहाँ कौन आएगा? चुपचाप चल।
पूछी तुम लोग दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो खोलो मैंने कहा था गुना को किडनैप किया तो हम सब मारे जाएंगे पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तू सही कह रहा है अब हम लोग क्या करेंगे यार ए चुप करो यार मैं पहले ही टेंशन में हूँ सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है यार गुना को अगर हम लोगों ने छोड़ दिया तो हमें ढूंढ कर मार देगा हे क्या बोल रहा है रे तू कल रात को हमने शराब के नशे में ये सब कर दिया अगर वो बाहर आ गया तो हम लोगों को खत्म कर देगा कंडक्टर मूर्ति अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार दूंगा मैं उसे जान से मार दूंगा ए तुम डरो मत मैं जैसा बोलूं वैसा करो तुम लोग जाओ यहाँ से हाँ चल यार चल हम लोग चलते हैं हाँ भाई मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ तू कहाँ जा रहा है संभल कर यार चल चल चल, चल। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा वो दरवाजा तोड़ के बाहर इससे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं डर मत यार भाई 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 हम लोग भाई ए तुम लोगों किसने भेजा तुम्हें मुझे किसी ने नहीं भेजा आपकी जान को खतरा था इसलिए हमने आपको बचाया भाई उस दिन मास्टर जी के आदमी लोग आपको मारने का प्लान कर रहे थे आपको बचाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया भाई कसम से भाई आपको यकीन ना हो तो ये देख लीजिए मारा मैं गुना बोल रहा हूँ गुना बोलो गुना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ पूछो को क्या हुआ है उससे कुछ भी नहीं हुआ थोड़ी सी चोट आई है हॉस्पिटल में है वो तो महिर को मैं आता हूँ हाँ ओके मैं देख लेता हूँ गुना सब कुछ उस मास्टर जी का काम है उसे खत्म कर देते हैं उन्होंने अकेले नहीं किया कोई तो है उनके साथ में मारा लड़कों को कुछ देकर भेज दो
क्या होगा? ये लो कबीर। भाई ये क्या है? ए छोटे रख ले। भाई आप पैर काटने के लिए सर काटने के लिए अलग अलग रेट लेते हो, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं ये पैसे कैसे लूंगा? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अभी क्या बोल रहा है? चुपचाप ले लेना। ए तू चुप रहना। ए डोनेशन के रूप में रख ले। अगर मुझे जरूरत होगी तो भी मैं डोनेशन नहीं लूंगा। अरे यार डोनेशन समझ के ही ले ले। तू चुप रहना। भाई अगर मुझे डोनेशन चाहिए रहेगा तो मैं मांग कर ले लूंगा, लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए। ए चल मेरी बात तो सुन, ना खुद लेता है और ना मुझे लेने देता है। बेंगलुरु से लेकर के आए लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मैं खुद देख लेता हूँ उसे, अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। मास्टर जी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हियरिंग में जमानत मिल जाएगी आपको, मैं खुद दिला दूंगा भाई, उसके बाद जो होगा देख लूंगा। चलो चलते हैं। हे पूछी देख भाई तुझसे मिलने आए। पूछी भाई आए हैं। कैसा है तू अब? भाई मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ भाई, मुझे ठीक हो जाने दो भाई। भाई मैं खुद बाहर आकर उन्हें खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। हे तू टेंशन मत ले, हम लोग सब देख लेंगे, ठीक है ना? इतना काफी है। ए पहले तू अपना ध्यान रख। ए इसका पूरा ध्यान रखना। मैं देख लूंगा भाई। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। ए मारा हाँ। पैसे की जरूरत पड़े तो दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होते तो मेरी बेटी नहीं बचती, आपकी मदद को हम लोग नहीं बुला सकते। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए। यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं होता, सरकारी अस्पताल में लेके जाइए इसे। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत खर्चा होता है, इतना खर्चा नहीं कर पाओगे आप लोग, कहीं और लेकर जाओ। ऐसा मत बोलिए, मेरी एक ही बेटी है, बचा लीजिए। आप इस लड़की का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करेंगी? सुनिए डॉक्टर मैम, अगर आपने इस लड़की का ट्रीटमेंट नहीं किया तो मुझे गुना भाई को बताना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं गुना भाई को फोन करूँ क्या? रुक जाइए डॉक्टर, अब हम क्या करेंगे? कोई और रास्ता नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ। कादिर भैया जब आपका नाम लिया तो एडमिट किया उन्होंने, अगर आप नहीं होते तो आज मेरी बेटी जिंदा नहीं बचती। आप ही मेरे देवता हो, हम एहसान नहीं चुका सकते आपका। मारा कादिर को ढूंढकर मुझसे मिलने के लिए बोलो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी गुना मरा नहीं है, अभी तक जिंदा है। मुझे जल्दी ही जमानत मिल जाएगी, मेरे बाहर आते ही पहले उसे खत्म करूंगा, तू संभल के रहना। भाई कबीर आया है। आओ कबीर, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बोलो मित्र। तूने मेरी जान बचाई और तेरी वजह से एक मां ने मेरे सामने हाथ जोड़ा, उसकी बेटी की जिंदगी बच गई थी। उस दिन जब लड़की अपनी जिंदगी से लड़ रही थी तब मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि वो आपके नाम से डर जाएंगे, इसलिए आपका नाम यूज करके उस लड़की को बचाया। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया लग रहा था। पैसा लेकर किसी की जान लेना, हाथ पैर तोड़ना, बस यही मेरा काम है। और एक तुम हो, मदद करके भी पैसे नहीं लेते हो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? आपका प्यार मिल जाए बस उतना ही है।
तो तू यहीं मेरे साथ ही रह जा। हाँ? मित्र, आप रोज सुबह वसूली के लिए जाते हो और मैं जनता के डोनेशन के लिए जाता हूँ, आपका और मेरा सेट नहीं होगा मित्र। ठीक है तो एक दिन के लिए ही रुक जा। कबीर, गुना बोल रहा है ना, एक दिन तो साथ में रुक जाओ। क्या सोच रहे हो कबीर? ठीक है मित्र, मैं आपके साथ एक दिन रुक जाता हूँ। भाई मैंने बोला था ना वही होटल। इलंगू, उस होटल के सामने रोक। ठीक है भाई। आइए भाई आइए, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। आओ कबीर, कहाँ हो, आजकल दिखाई नहीं देते। दीदी पिछले हफ्ते आया था, चाहो तो माला से पूछ लो। अरे हाँ, मैं तो गांव गई थी ना। सब्जी दो बेटी। बेटी दूसरी सब्जी दो। भाई साहब आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बस हो गया। इसे कहाँ रखो? यहाँ रखो। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। खाना बहुत अच्छा है। मैं मुझे नहीं, मित्र को दे दीजिए। हाँ देती हूँ। मारा, आराम से खा लो, दोबारा ऐसा खाना नहीं मिलेगा। हाँ। इसे रखो और इन्हें पानी दो। भाई खाना कैसा था? ऐसा लगा माँ के हाथ का खाना खाया, लेकिन जवान लड़कियां काम कर रही हैं ये देखकर दुख हुआ। तकदीर में ऐसा ही लिखा होगा। तकदीर नहीं है भाई, साजिश है। 2 साल पहले उसके बाप को किसी ने मार दिया। उस फोटो में जो है ना वही है। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ भाई, मुझे कुछ मत करना गुना। अगर उसका बाप जिंदा रहता तो झूठी पत्तल उठाने वाली लड़की आज इंजीनियर रहती, वो प्लेट धोने वाली लड़की डॉक्टर बन गई होती। भाई मैंने ऐसा कुछ बोल दिया क्या कि आपको बुरा लग गया? कुछ नहीं। तुझे एक बात पता है क्या? क्या? तुम्हारे भाई के आदमी लोग अब दुकानों में जाकर वसूली नहीं करते, वो लोग सुधर गए हैं। जानती हो कैसे? जब से कबीर भाई तुम्हारे भाई से मिले हैं ना, तब से तुम्हारे भाई भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। हाँ, अब तो कबीर भाई के प्यार के बारे में समझ जा, समझी ना? इनके प्यार के सोच रही है, सोच उसके बारे में। बिना तो अब इनके दिल की धड़कन भी नहीं चलेगी। सही कह रही हूँ ना? ए वो देखो तुम्हें ही देख रहा है, देखो कैसे देख रहा है। नमस्ते मित्र। आओ कबीर। ये अपने स्कूल के मास्टर जी हैं। हाँ हाँ नमस्ते। ये है एचएम, ये है हिंदी के मास्टर जी। नमस्ते। ये है साइंस के मास्टर और ये पीटी के। नमस्ते। नमस्ते। बोलो कबीर, डोनेशन चाहिए क्या? ये बस आपसे मिलने के लिए आए हैं। इस साल पब्लिक एग्जाम में अपना स्कूल इस जिले में पहले नंबर पे आया है और उसकी वजह आप हैं सर। इसमें मैंने क्या किया है? आप लोगों ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा। ये जगह पहले संदली मास्टर के कब्जे में थी, कबीर के जरिए और आपकी वजह से स्कूल को ये जगह मिल पाई। गरीब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बाईपास रोड के पास 5 एकड़ की जमीन दी थी। आर के और उसके आदमियों ने मिलकर खुद की प्रॉपर्टी बता के सबको धोखा दे के नकली रजिस्ट्री करवा ली थी और इसमें संगली मास्टर जी भी साथ थे। तहसीलदार से लेकर ऊपर तक देखा लेकिन कोई काम नहीं बना। फिर सोचा लोहे को लोहे काटता है, तो मैं आपके पास आ गया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इतने बच्चों को पढ़ाया तो उन सब का पुण्य तो आपको जरूर मिलेगा ना। हेलो आरके, मैं गुना बोल रहा हूँ। बाईपास के पास की जमीन कब्जा करके रखा है तुमने? नहीं, वो प्रॉपर्टी तो मेरी है। 10 मिनट के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में होने चाहिए, समझ गए? गवर्नमेंट की जगह को तूने कब्जा करके रखा है। ऐसी बात नहीं है गुना, तुम्हारे रहते ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये लो, तुमने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग आने वाले समय में अच्छे अच्छे काम करेंगे, उसकी वजह आप हैं। 1000 मंदिर बनाने से बेहतर है स्कूल बनाना। आपके कारण वो स्कूल बना, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपने ये जो मदद की है ना, ये सब उसी वजह से हुआ।
धन्यवाद धन्यवाद, हम लोग चलते हैं। हजार मंदिर बनाने से बेहतर है एक स्कूल बनाना, और स्कूल बनाने की वजह आप ही थे, आप जैसा कोई नहीं। गुना, बड़े भाई का फोन है। बाद में बात करता हूं, बोल दे। क्या हुआ गुना? अगर आपने ये किया तो 100 गरीब बच्चों को पढ़ाने का पुण्य आपको ही मिलेगा ना। सुना नहीं? इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाने वाले मास्टर लोग क्या क्या कर गए। उनके दुख के सामने ये तलवार कुछ भी नहीं है, समझ गए? एकदम सही कहा आपने मित्र। गुना, लंगो गाड़ी निकालो, कारखाना चलते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सुबह से फोन कर रहा था, आपने उठाया नहीं, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गया। क्या बात है, बोलिए। बगल के बिल्डिंग वाले तकलीफ दे रहे हैं, बात करके देख लिया, वो मान नहीं रहे हैं। आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे तो इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये सब मैं नहीं करता, मैंने सारे काम छोड़ दिए, किसी दूसरे को देख लो। गुना, क्या हो गया है? अगर पैसे कम है तो मैं और दे दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, चले जाओ। नहीं गुना, ये काम कर दो। समझ में नहीं आ रहा है, चलो जाओ। एडवांस ले लिया है, अब बोल रहे हो कि नहीं होगा। कैसा एडवांस? मैंने लिया था एडवांस गुना, सोचा था बाद में बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, चलो जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों मारा? मुझे बिना बताया तुमने पैसा लिया? कुछ नया कर रहे हो, बोलो। अकेले धंधा शुरू कर दिया क्या? गुना, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गुना, मैंने तुम्हारे बिना कभी कोई काम किया है क्या? आज स्कूल के मास्टर क्या कहकर गए सुना क्या? मेरे एक इशारे से किसी की तकदीर बदल सकती है, ऐसा बोलकर गए हैं वो लोग। मुझे बुलाकर इज्जत देना चाहते हैं, ऐसा भी कहा। ये मारना पीटना काटना पंचायत करना ये सब नहीं चाहिए रे, छोड़ देते हैं। जब तक जिंदा है खुशी से रहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है क्या? ए, खुशी से रहने के लिए रास्ता बनाओ, चलो। भाई, चलकर शराब पीते हैं क्या? कोड़ाई कनाल में जाकर एंजॉय करते हैं। अरे बस बस, क्या बोल रहा है तू, जब देखो कोड़ाई कनाल जाने की बात करता है। गुना, मेरी बात सुन, एक महीने के लिए मजे करने के लिए कहीं विदेश में चलते हैं। अच्छा आइडिया है। कबीर, कुछ बोलना तू। हम खुशियां ढूंढने के लिए दूसरे शहर क्यों जाएं? हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह पर खुशियां लेकर आते हैं। मारा चले क्या? हाँ भाई, हम रेडी हैं। भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मैं ही नंदनी की फ्रेंड शरण्या हूँ। ओह, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, और नंदनी कैसी है? उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए। वो अच्छी है, चाचा के घर पर है। अच्छा, ऐसा क्या? भैया, ये मेरे पति हैं जो बैंक में नौकरी करते हैं। ओह, नमस्ते भाई। नमस्ते, बैठिए ना। ए पूछी, पानी लेकर क्या? आता हूँ भाई। नहीं भैया, कोई बात नहीं, ये जहाँ नौकरी करते हैं ना वहाँ से रिश्ता आया है, लड़का असिस्टेंट मैनेजर है। भैया, इसलिए सोचा कि आपको बता दूँ, नंदनी से आप कितना प्यार करते हैं, ये रिश्ता नंदनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भैया, लड़के का व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं लड़के की कुंडली भी लेकर आई हूँ, देख लीजिए। ठीक है, मैं नंदनी से बात करके बताता हूँ। ठीक है भैया, हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है? रुक जाओ, खाना खा करके जाओ। नहीं, कोई बात नहीं भैया, हम लोग शादी में ही खाना खाएंगे, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है भैया, चलता हूँ।
क्या हुआ गुना, चोट तो नहीं लगी? नहीं कुछ नहीं। वो जो आई थी वो लड़की अपनी बहन के साथ पढ़ती है, उसकी बात का इतना फील क्यों कर रहे हो? नहीं मारा, बहन के मामले में बड़ी गलती कर दी है मैंने। अभी आ जाएंगे, आप अंदर चलिए। मैं कह रहा हूं ना, अंदर चलिए, आइए। भैया, इस दुनिया में मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस तुम सिर्फ साथ में रहोगे तो इतना ही है मेरे लिए। मारा, नंदनी को देखने का मन कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चाचा को फोन करो, वो कल ही भेज देंगे। नहीं मारा, हम खुद जाकर लेकर आएंगे। ए पुची। हाँ भैया। ए लगो, गाड़ी निकाल। कैसी हो चाची? नंदनी कैसी है? घर में है क्या वो? आओ बेटा, रास्ता भटक कर आ गए हो क्या? कभी तो आते नहीं हो। नंदनी को ले जाने के लिए आया हूँ मैं। इतने दिन बाद तुम यहाँ आए हो, आज जाकर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है क्या? चाची, बहन की शादी के बारे में सोच नहीं सकता क्या? अच्छा, तुम्हारे घर पर भी उसका कोई रिश्ता आया है क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसा भी हो, नंदनी के लिए तूने लड़का तो देखा है, बहुत खुशी हुई बेटा। रुको, नंदनी बेटी यहाँ आना। आई क्या चाची? अगर मार्केट जाओ तो छोटे पापा डांटते हैं, और यहाँ आप ऐसी बातें कर रही हैं। गुना की हालत भी तो जरा समझो चाची। क्या हुआ चाची? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है बेटी, इसलिए तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया है। कौन ये? चाकू हाथ में लेकर घूमने वाले को बहन की चिंता भी होती है सच में? नंदनी, भाई ने आपके लिए अच्छा लड़का देखा है। आप लोग भी कुंभकर्ण के गुंडे हैं। और तुम्हारा देखा वो लड़का किस शहर का गुंडा है? नंदनी, मैंने मार पीट काटना मारना सब कुछ बंद कर दिया है, घर चलो। अगर मेरे लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे शादी के जोड़े में आप लोग कभी भी नहीं देख पाओगे।
भाई क्या हुआ? चुप रहो कबीर, गुना अभी टेंशन में है। भाई क्यों टेंशन में हो? कुछ नहीं कबीर, मेरी एक बहन है। एक दिन वह मुझसे गुस्सा होकर चाचा के घर पर चली गई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब से मैं जहां भी जाता हूं उसकी याद आती रहती है। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ वही अपनी है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक उसे खुशी से रख सकूं, इसीलिए मैं चाचा के घर उसे लेने के लिए चला गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अभी तक सुधरा नहीं और एक गुंडे के साथ मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। भाई आपकी बहन आपको जिस वजह से छोड़कर चली गई है उस वजह को ही निकाल देंगे तो शायद वो वापस आ जाएगी। बस हो गया भाई, माँ बाप कोई नहीं है, बस तुम ही हो। तुम अपनी गुंडागर्दी को छोड़कर सुधर जाओगे, उस दिन से ही मैं तुम्हारी बहन बन जाऊंगी। लेकिन तब तक तुम मेरे लिए अजनबी हो। भाई मेरे पास एक आइडिया है, आप सरेंडर कर दीजिए। ए कबीर क्या बोल रहे हो तुम, गुना सरेंडर करेगा? नहीं भाई, अगर ये कर देंगे तो इनकी बहन वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मारा वकील को फोन लगाओ। नहीं गुना, जरा मेरी बात तो सुनो। जो बोल रहा हूं वो करो। हेलो वकील सर, गुना आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, आ सकते हैं क्या? ओके मारा, मैं भी कोर्ट में हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ। भाई इस तरह से क्यों फैसला ले रहे हैं? वकील सर मेरे सरेंडर होने का इंतजाम कीजिए। गुना फैसला लेने से पहले सोच लो, सारा केस आप पर डाल देंगे तो क्या होगा पता है ना? पता है वकील, सब कुछ जानते हुए फैसला लिया है मैंने। मेरी बहन शादी करके खुश रहना चाहिए, उसके लिए मैं जेल में पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। गुना ये सब क्या है? बस मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया। जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ठीक है मैं करता हूँ। मास्टर जी का आज बेल हो जाएगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाई। एक अच्छी खबर है, वो अपना जो दुश्मन है ना वो गुना सरेंडर करने वाला है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई बिल्कुल सच है, अच्छे से पूछताछ की है। मुझे अंदर भिजवा कर वो सरेंडर होने वाला है क्या? उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे वो धंधा मैंने सिखाया, अब उसका खेल भी मैं खत्म करूंगा। मास्टर जी आपकी जमानत हो गई है, आप कल रिहा हो जाएंगे। आप सच कह रहे हैं क्या? हाँ कुमार। चलो रे। नंदिनी तुम्हारा भाई सच में सुधर गया है, वो अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं, इस बात पर विश्वास तो करो। देखो अगर तुम्हारे भाई ने सरेंडर कर दिया तो सारे केस उन पर लगाकर ऐसा कर देंगे कि वो मरने तक बाहर ना आ पाए। तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि तुम्हारा भाई तलवार फेंक दे और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जिए और किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। मुझे प्यार मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने एक भाई को बहन से और एक बहन को अपने भाई से मिला दिया। मैं आता हूं। अभी तो बोल दे कबीर, के लिए तेरे मन में सिर्फ इज्जत है या प्यार, अब तू ही सोच। मैंने जिस दिन उसे पहली बार देखा तभी मैं उससे बहुत पसंद करने लगी, लेकिन अगर मैं कबीर को बता देती तो बिच्छू के सांस जैसा हुआ था वैसा इसके साथ भी हो जाता, इसीलिए मैं कबीर को बहुत पसंद करती हूँ यार।
गया हूँ मैं, अब वो नहीं बचेगा। जब भी तुम्हारी याद आती है तब ये एल्बम निकाल कर देखती रहती हूँ भैया। अरे क्या हुआ इसे? वो उस एल्बम को ही देख रही है। पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से वो ऐसी ही है। नंदनी, तुमने बोला था आज कॉलेज नहीं है। फ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? नहीं माँ। फिर मंदिर जा रही हो क्या? नहीं माँ। ए, कॉलेज की छुट्टी है तो घर के अंदर ही बंद रहेगी क्या? तू जा बेटी, बाहर जा। चाचा। बोलो बेटी। मुझे भैया से मिलने का मन कर रहा है। तुम खुशी से रहो, इसीलिए गुना सरेंडर करने जा रहा है। तुम जाकर उससे मिलोगी तो उसे बहुत खुशी होगी। अच्छा, इतना प्यार करती है उससे? तू तो बोल रही थी कि उसका चेहरा नहीं देखेगी। दीदी तो हमेशा भैया से बहुत प्यार करती है ना दीदी? चलो हम सब लोग जाकर मिलते हैं। मैंने भी गुस्से में उसे बहुत डांट दिया था, अब उसे देखने का मन भी कर रहा है। अरे बाप रे, अभी तो मेरा मन खुशी से बहुत भर गया है। पूछी भैया। भैया आओ बहन। भैया कहाँ हैं? भैया तो अभी कोर्ट गए हैं। मुझे अभी भैया से मिलना है। शॉर्टकट से चलेंगे तो उनसे मिल सकते हैं। ठीक है चलो। अगर पुल के जरिए जाएंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है भैया। मारा, कोर्ट में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मैंने इंतजाम कर रखा है, वहां जाकर सरेंडर कर सकते हो। इलंगो, गाड़ी को साइड लगा। मारा उतरो। मारा, तुझे एक बात पता है, हम लोगों को देखकर पूरा शहर डरता था, लेकिन कबीर के आने के बाद सब लोग हाथ जोड़कर इज्जत दे रहे हैं। मुझे इस तरह से बदलने वाला मेरी बहन को अच्छे से रखेगा। मैं अगर ना हो तो उसकी शादी करवा देना। वो सब मैं देख लूंगा गुना, वकील वेट कर रहा है, टाइम हो गया है। चलो चलते हैं। जो भी पैसा धन दौलत है सब उनका ही है, खुशी से जीने देना। क्यों मास्टर जी, बेल मिल गई क्या? जमानत पे आया हूँ तुझसे मिलने के लिए गुना। मुझे जेल में भेज के अच्छा इंसान बनकर सरेंडर करने जा रहा है? ए, तुझे खत्म करने आया हूँ मैं। बुजुर्ग आदमी समझ रहा हूँ और तू मुझे खत्म कर रहा है। मारा, खत्म कर मास्टर जी को, इसे मार कर सरेंडर करूंगा मैं। क्या हुआ, कैसा लगा? बचपन से ही हमेशा मैंने मार पीट मर्डर इन सब चीजों में मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन कल का आया हुआ वो कबीर, पता नहीं क्या सोचकर तुमने उससे सब कुछ दे दिया। मुझे रोड पर लाना चाहते हो क्या? शाबाश रे मारा, आज के बाद से इस जगह का राजा सिर्फ सांगली होगा, खत्म कर दो इसे। चलो मित्र।
खड़ी है भैया। हाँ, चलो भैया, मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ। अरे वो देखो, वो अपने भाई रहे। भैया 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 मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हो गया ना। मैं आज के बाद आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी भैया। मैं आपके साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी भैया। अपनी आंखें खोलो भैया, अपनी आंखें खोलो। मुझे कुछ कुछ नहीं हुआ, कबीर ने मुझे बचा लिया, बचा लिया है कबीर ने। हो गया। भाई मुझे प्यार मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने एक भाई को बहन से और एक बहन को अपने भाई से मिला दिया। कबीर, तुम्हारी नंदिनी आई है। उठो कबीर, तुमने मुझे मेरे भाई से मिला दिया लेकिन तुम चले गए। कबीर उठो, कबीर
बच्चा, दूध के लिए रोने वाला खाने बच्चा, खाने के लिए तरसने वाले गरीब लोग, खाने के लिए तरसने वाले गरीब लोग, यौन अपराध से अफेक्ट होने वाले बच्चियों औरत लोगों को, यौन उत्पीड़न से प्रभावित होने वाली औरतों और बच्चियों को, जब तक इन लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इन लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।